आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लंच बॉक्स जो हेल्दी भी होगे और टेस्टी भी होगे, जिसे बच्चे खाएंगे मजे लेकर, बिल्कुल भी लंच बॉक्स खाली नहीं लाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा। 2 कप गेहूं के आटे को आपको छान लेना है, तो घर का पिसा हुआ आटा है ये। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी ज्वारी का आटा, अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे बाजरे का आटा भी ले सकते हो, 1/4 कप के करीब। और यहाँ पे आपको ले लेना है बेसन 3 से 4 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे 3 आटा आपको मिलाना है, आप चाहे तो ज़्यादा भी आटे यहाँ पे मिला सकते हो। इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स पहले कर लेना है। और यहाँ पे आपको ऐड करना है पालक। पालक यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है, इसे धो के अच्छी तरीके से आपको बारीक बारीक कट कर लेना है। यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है मेथी। मेथी को भी आपको अच्छी तरीके से क्लीन करके इसे कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ा सा अदरक को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। आधा चम्मच यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अजवाइन क्रश करके। 1/4 चम्मच यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। और यहाँ पे आधा चम्मच के करीब मैं ऐड करूँगी मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिए। और यहाँ पे आपको 1/4 चम्मच के करीब ऐड करना है गरम मसाला। 1 चम्मच यहाँ पे आपको धनिया पाउडर ऐड करना है और नमक आपको आपके टेस्ट के अनुसार ऐड करना है। और इन्हें आपको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो हमने वेजिटेबल ली है, जो भाजी ली है, उसमें थोड़ा सा पानी होता है, उसमें आपको आटे को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। तो देखिए ऐसे आपको मिक्स कर लेना है सारे आटे में। अब आपको इसका एक डो लगा लेना है मीडियम। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल पानी लेके ही इसका डो बना लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने डो बना लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूँगी ताकि डो बिल्कुल भी हमारा चिपके ना। तो देखिए नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल हम यूज़ करते हैं वही मैंने इस पे अप्लाई कर लिया है। ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं मल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पराठे का आटा भी रेडी हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑयल ले लेना है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको सूखा आटा ले लेना है। तो जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतना बड़ा आप बना सकते हो। एक बाउल में ले लूँगी यहाँ पे आटे का। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑयल का भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि इससे पराठे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो पराठा बनाते समय आपको ऑयल का यूज़ करना है यहाँ पर। फिर आपको कोट कर लेना है आटे से। तो देखिए आटे से मैंने यहाँ पे कोट कर लिया है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है और इसे आपको अच्छी तरीके से बेल लेना है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा थिक बेल सकते हो, बहुत ज़्यादा पतला भी इसे बेल सकते हो। तो चलिए इसे मैं बेल लेती हूँ। तो देखिए इतना बड़ा मैंने यहाँ पे बेल लिया है पराठे को। तवा मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। तो अभी चलिए इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से इसे सेक लेना है अलट पलट करके। तब तक हम दूसरा पराठा भी रेडी कर लेते हैं। एक डो आपको लेके थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है ताकि पराठा बिल्कुल भी ना चिपके। आटे में कोट कर लेना है आपको, फिर इसे आपको बेल लेना है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है बच्चे को लंच के लिए। अगर चाहे तो आप इसे ऑफिस में लंच के लिए भी दे सकते हो। बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है, क्विक एंड इजी बनने वाली है। इसमें हमने बहुत सारी वेजीज भी ऐड की है, जिससे बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि आपके बच्चे ने हेल्दी नहीं खाया है। हेल्दी और टेस्टी भी है और बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो शेयर कर रखे हैं मेरे चैनल पर लंच बॉक्स रेसिपी, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। उनके लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे हमारा पराठा बन चुका है। पराठा तो हम बना लेते हैं या कोई भी लंच बना लेते हैं बच्चे के लिए, पर उसे हमें देने का तरीका भी आना चाहिए, उसे सर्व करने का तरीका भी हमें आना चाहिए। तो चलिए इसे सर्व में करती हूँ ऐसे। तो जो भी आप पराठा दो, राइस दो, थोड़ा सा उसे आप अलग से कट करके दे दीजिए, जैसे यहाँ पे हम नाचोस खाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को आप कभी स्क्वायर में दे दीजिए, कभी ट्रायंगल में दे दीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे। यहाँ पे आप केचप के साथ दे सकते हो, थोड़े से बादाम ऐड कर सकते हो,
अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मेरी चैनल की वीडियोज़ आप देख सकते हो।